टेस्ट विद ममता की किचन से मैं ममता शर्मा आज आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल मज़ेदार और इंस्टेंट बनने वाला डोसा लेके आई हूँ। ठीक है, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे बनाया है आज बेसन का डोसा। बहुत ही कमाल की रेसिपी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और सबसे बड़ी बात है ये बहुत कम सामान में और बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। क्योंकि बहुत छोटी मोटी भूख हो या आपको कुछ स्पेशल खाने का मन करे या कभी सुबह ब्रेकफास्ट में बनाना हो कुछ हेल्दी सा, तो उसके लिए ये आज आपके सामने मैं बेसन के डोसे की रेसिपी लाई हूँ। बहुत ही आसान है, तो गाइस चलिए आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। चलिए, ये बेसन का बहुत ही कुरकुरा और मज़ेदार सा डोसा बनाने के लिए मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे ये एक कटोरी के करीब बेसन लिया है। ठीक है, तो बेसन मैं अभी इस बाउल में डाल दूंगी। बाउल थोड़ा सा बड़ा ही लीजिए जिसमें आपको इसे मिक्स करने में आसानी हो। और मैंने इसी की नाप से इसका 1/4 यहाँ पे सूजी ली है। तो सूजी आप देख सकते हैं ये नॉर्मल सूजी है जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं, मोटी पतली कोई भी हो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हम इसमें मिला देते हैं। और अब हम क्या करेंगे, इसमें बहुत थोड़ा सा ये 1/4 टीस्पून करीब मैं यहाँ पे नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि नमक इसमें अभी बाद में भी पड़ेगा तो आप थोड़ा ही डालिएगा इसमें। ठीक है ना, और इसका जो बेसन का कलर है उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 1/4 से भी बहुत कम एक चुटकी के करीब मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर डाला है। तो इससे क्या होता है, बेसन का कलर बहुत अच्छा आता है। तो ये इंस्टेंट तो बन रहा है लेकिन बिना किसी इनो के, बिना किसी सोडे के बनेगा ये। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और बहुत ही मज़ेदार सा बनता है ये। ये देखिए ये मैंने इसे मिक्स कर दिया है और अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे ये गुनगुना पानी लिया है मैंने। एक साथ में बिल्कुल सारा मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा। पानी हल्का सा गुनगुना लेने से क्या होता है, इसको फर्मेंटेशन में आसानी हो जाती है, तो फिर हमें इनो सोडा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये मैंने हल्का सा पतला ही रखा है, आप देख सकते हैं ये इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मैंने जैसे सारा फेंट लिया है ना, तो इसकी फिटाई बहुत अच्छे से होनी चाहिए, पूरा अच्छे से फिटना चाहिए ये। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, इसको 20 मिनट के लिए ढक लगा के रख देंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सब्जियां ली हैं, तो सब्जियां हम इसमें उसको कुक नहीं करेंगे। ठीक है, तो कच्ची सब्जियों का ही इस्तेमाल करेंगे क्योंकि उसका एक अलग ही फ्लेवर आता है, बहुत ही मज़ेदार सा लगता है। तो उसके लिए मैं आपको दिखा दूं, पहले मैंने यहाँ पे ये फाइन चॉप करके एक टोमेटो लिया है जिसका मैंने पल्प अलग कर दिया है। ठीक है, और बहुत बारीक, क्योंकि हम इस सब्जी को कुक नहीं कर रहे हैं ना, तो इसलिए हम इसमें जब कच्ची सब्जियां यूज करेंगे तो मैंने बहुत बारीक सी यहाँ पर ये शिमला मिर्च कट करी है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने एक छोटा सा प्याज कट किया है जो बिल्कुल फाइन चॉप है। दो छोटी छोटी हरी मिर्ची कट की है, बिल्कुल बारीक कटी हुई है, और थोड़ा सा लिया है हरा धनिया। और आप चाहे इसमें ग्रेट करके थोड़ा सा पनीर भी डाल सकते हैं, वो फिलहाल मैं इसमें कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, अभी मैं बिल्कुल सिंपल सा बनाऊंगी डोसा। और बहुत ही अमेजिंग सा है क्योंकि हर समय हर किसी के घर में हर सामान अवेलेबल नहीं होता, लेकिन ये सामान कुछ ऐसा है जो रहता ही रहता है घर में। ठीक है, तो मैं भी आपको उसको 20 मिनट बाद आपको दिखाती हूँ। चलिए, ये देखिए गाइस, यहाँ पे ये बहुत अच्छे से फूल चुका है, बेसन और सूजी बिल्कुल बहुत अच्छे से फूल गई है। और ये देखिए कितने बढ़िया से ये तैयार हो गया है। तो पानी अभी ये बहुत ज्यादा गाढ़ा सा लग रहा है क्योंकि सूजी ने सारा पानी सोख लिया है और बेसन भी पानी सोखता है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर देती हूँ। बहुत थोड़ा सा मिलाया है और इसे भी पहले मैं मिक्स कर लेती हूँ। और इसको डोसे का लुक देने के लिए, क्योंकि दाने इसमें देखिए ये अभी भी इसमें हल्का हल्का जो सूजी भीगी हुई है ना, उसका हल्का सा दरदरापन हाथों में आ रहा है, तो बिल्कुल ऐसा ना हो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, मैं इसको एक लूंगी मिक्सी का जार और ये इसमें कर दूंगी ट्रांसफर। ठीक है, तो ये देखिए, और बहुत ज्यादा इसमें पानी हम अभी नहीं डालेंगे क्योंकि जब ये बिल्कुल बारीक हो जाएगा ना तो ये खुद ही अपना पानी छोड़ देगा, बहुत पतला सा ये खुद ही बैटर हो जाएगा। तो मैं अभी आपको इसको बिल्कुल एक बहुत बढ़िया सा हमने इसका एक फाइन बैटर बनाना है, बिल्कुल फाइन पेस्ट टाइप का। ठीक है, तो मैं आपको इसको अभी बहुत अच्छे से ग्राइंड करके दिखाती हूँ। और तो ये देखिए, यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सा एकदम स्मूथ बैटर बनके रेडी हो चुका है और आप देख पा रहे होंगे कि एकदम पतला भी हो गया है। तो ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी हमें बिल्कुल ऐसी ही चाहिए, बिल्कुल रनिंग चाहिए इस तरह से, बहुत ज्यादा इसको गाढ़ा मत बनाइए और बहुत ज्यादा पतला भी नहीं है ये। ठीक है, तो इस तरह का हमें ये बिल्कुल ऐसा बैटर ही इसका चाहिए। तो चलिए अब हम चलते हैं बनाने के प्रोसीजर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने गैस में तवा रख दिया है और गैस में तवा काफी तेज हीट हो रहा है,
तो इसको हम पहले फटाफट पोंछ लेते हैं, ठीक है। तो चेक कर लिया है हमने और इसको पोंछ लिया है। पोंछने के लिए मैं आपको एक चीज खास तौर से कहूंगी कि कपड़ा हमेशा कॉटन का ही इस्तेमाल करें, वरना आपका ये कोई भी अगर आप कुछ और इसमें इस्तेमाल करेंगे तो वो चिपक सकता है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, बहुत ही हल्का सा, आप देख सकते हैं ये मैंने ऑयल ब्रश लिया है और बहुत हल्के से इसमें ऑयलिंग की है, बहुत ज्यादा इसमें ऑयल हम नहीं लगाएंगे। बिल्कुल एक तरह से अगर आप कहें तो ये बिल्कुल लाइट बन रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑयलिंग मैंने कर दी है और अब आप देख सकते हैं इसका टेम्परेचर हमने बिल्कुल कम करना है, ठीक। उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से इसमें छींटे मारेंगे और इसको एक बार पोंछ लेंगे। ये देखिए हम इसको बिल्कुल ऑयल फ्री बना रहे हैं, है ना। और अब आप देख सकते हैं कि तवे में बिल्कुल भी एक बूंद भी इसमें ऑयल नहीं है, सारा ऑयल ये इस कपड़े में आ चुका है, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, मैंने गैस की फ्लेम को बिल्कुल इस समय कम किया हुआ है और यहाँ पे हम इसको बीचों बीच फैला देंगे इस तरह से और एक ही डायरेक्शन में इसको फैलाएंगे, ठीक है। और बीच में इसको उठाइएगा नहीं वरना ये खराब हो जाएगा बिल्कुल। ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से इसको इस तरह से हमने फैला दिया है और ये एकदम तैयार हो गया है, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं एकदम ड्राई हो गया है ये, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हमने ऑयल पहले नहीं लगाया है तो हमें हल्का सा यहाँ पे इसमें ऑयलिंग करनी पड़ेगी, बहुत हल्की सी। आप ये देख सकते हैं ब्रश को मैं सिर्फ खाली टच कर रही हूँ, है ना। तो ऑयलिंग हम इसमें बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। और वो भी हम इसलिए लगा रहे हैं इतना भी ताकि जो हम इसमें कुछ वेजिटेबल्स वगैरह डालेंगे ना तो उनको थोड़ा सपोर्ट मिल जाए हल्का सा कुक होने के लिए, क्योंकि सब्जियां हम कच्ची यूज कर रहे हैं। और अब हम गैस की फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल फुल। और एक चीज का बहुत ध्यान रखिएगा कि हम ये डोसा जो घर में बना रहे हैं ना तो उसके लिए हमारे जो घर का जो गैस का चूल्हा होता है वो सिर्फ बीच ही बीच में गैस छोड़ता है, है ना, बीच ही बीच में आता है उसका गैस का फ्लेम। तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा इस तरह से घुमा घुमा कर इसको अच्छे से क्रिस्पी करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। क्योंकि मार्केट वाले जो चूल्हे होते हैं वो थोड़ा उनका डिजाइन अलग होता है और उनके ओने कोने तक बिल्कुल फ्लेम पहुंचती है, तो हमारे घर के चूल्हे में ये तवे बड़े होते हैं जो डोसा तवा होता है, तो उस हिसाब से हमें थोड़ा सा इसको बैलेंस करके चलना है। तो ये देखिए अब मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से इनको पहले चारों तरफ से अच्छे से कुक करूंगी ताकि ये क्रिस्पी हो जाए बहुत ही बढ़िया तरीके से। और अब हम क्या करेंगे, इसमें तब तक जब तक ये कुक हो रहा है तब तक हम थोड़ा थोड़ा इसमें सब्जियां फैला लेते हैं, मिला लेते हैं। ये मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च डाल दी है और बहुत थोड़ा मैंने इसमें ये प्याज भी डाल दिया है। तो ये सब्जियां जब क्रंची क्रंची चीज आती है ना बीच में बहुत ही मजेदार लगती हैं, ठीक है। ये हरी मिर्च मैंने डाल दी है, बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप खाते हो तो जरूर डालिए वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं। और ये डाल दिए मैंने बहुत हल्के से टमेटोज और साथ ही साथ बहुत सुंदर सा एक लुक देने के लिए इसमें और टेस्ट बढ़ाने के लिए डाल दिया है इसमें मैंने ये हरा धनिया, ठीक है। ये देखिए बहुत ही मजेदार सा बनने वाला है ये। और अब हम क्या करेंगे, इसमें इन सब्जियों का फीकापन दूर करने के लिए बहुत हल्का सा इसमें नमक स्प्रिंकल करेंगे, ठीक है। हाथ से ही आप कर लीजिएगा उसे। और अगर आप लाल मिर्च पसंद करते हो, तीखा पसंद करते हो तो लाल मिर्च का इस्तेमाल करें, वरना मैं यहाँ पे ये कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसका लुक बहुत सुंदर आता है, बहुत ही कमाल का आता है, ठीक है। तो ये देखिए मैंने इसमें ये डाल दिया है और इसके टेस्ट को और ज्यादा अमेजिंग करने के लिए मैं यहाँ पे बहुत थोड़ा सा सांभर मसाले का इस्तेमाल कर रही हूँ। बहुत ही अमेजिंग इसका टेस्ट आता है। आप इसकी जगह पे मैगी मसाला भी आप डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ठीक है। और अब हम चेक करते हैं कि ये देखिए इसने अपनी किनारियां यहाँ से छोड़नी शुरू कर दी है ना। तो चलिए अब हम इसको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे इसने चारों तरफ से अपना ये बिल्कुल डोसे ने तवा छोड़ दिया है ना। तो चलिए अब हम इसको यहाँ पे फोल्ड कर देते हैं। और ये देखिए ये कितने बढ़िया से इसका ये चारों तरफ से आप इसका कलर देखिए, आप यहां से देख सकते हैं ये चारों तरफ से इक्वल सिका है। इसका कलर आप देखिए कितना खूबसूरत आया है। तो यही इसकी पहचान है जब ये चारों तरफ से सिकेगा। अगर हम इस तवे को चारों तरफ नहीं घुमाते तो ये सिर्फ बीच ही बीच से सिकता, ठीक है। तो ये चारों तरफ से हुआ है और बिल्कुल बहुत बढ़िया सा तैयार हुआ है। तो चलिए इसी तरह से हम आपको दूसरा भी बना के दिखाते हैं। और दूसरा बनाने के लिए ये देखिए मैंने तवे में फिर से पानी डाल दिया है और गैस की फ्लेम को कर दिया है बिल्कुल कम।
और ये देखिए तवा मैंने दोबारा से बिल्कुल ऑयल फ्री कर दिया है ना, बिल्कुल ऑयल फ्री तवा है। और वापस से हम वही प्रोसीजर करेंगे दोबारा से। ये करछी से मैंने यहाँ पे बैटर ले लिया है और इसको बहुत अच्छे से हम फैलाएंगे बिल्कुल बढ़िया तरीके से और एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, ये देखिए कितने बढ़िया से ये तैयार हो गया है। तो ये देखिए कितने बढ़िया से इसमें यहाँ पे जालियां बन रही हैं और ये कलर आया है। आप देख सकते हैं बीच में ब्राउन कलर, साइडों में ब्राउन कलर। तो ये जो जालियां होती है ना, यही एक अच्छे डोसे की पहचान होती है, क्योंकि उससे पता चलता है कि आपका बैटर बहुत अच्छे से फर्मेंट हुआ है। ठीक है, अब हम फिर से इसमें कुछ वेजिटेबल्स मिला लेते हैं। और अब हम क्या करेंगे, इसने किनारियां कितनी बढ़िया से यहाँ पे छोड़ दी हैं और इसको मैं अब आपको फोल्ड करके दिखाती हूँ। कितना बढ़िया, कितना करारा सा बना है, आप देख सकते हैं। ये देखिए इसकी क्रिस्पनेस देखिए, ये करारापन देखिए, इसका कलर देखिए, कितना मजेदार सा बना है। तो आप बिल्कुल इस तरह से इसको घर पे आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ, आइए। ये देखिए गाइस, यहाँ पे ये डोसा बनके बेसन का रेडी हो चुका है और इसके साथ मैंने टमाटो केचप और ग्रीन चटनी ली है। और आप चाहे तो वैसे ये खुद ही इतना बढ़िया और इतना टेस्टी बना है कि आपको इसके साथ किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा चटनियों का इस्तेमाल कर रही हूँ और बहुत यमी इसका टेस्ट होता है। आप एक बार इसको जरूर ट्राई कीजिए, आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी। तो मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ, आप इसका लुक देखिए कितना सुंदर सा इसका लुक आया है कि नहीं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये। आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिए, आपके घर में भी ये सभी को बहुत पसंद आएगी। तो कभी छोटी मोटी भूख लगी हो या फिर सुबह का नाश्ता हो या कुछ भी स्पेशल कुछ खाने का मन करे, तो ये एकदम इंस्टेंट बनने वाली रेसिपी है। तो आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल पे जाके उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। और फीडबैक में जाके मुझे जरूर बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपीज कैसी लगती हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।